एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम और वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला। एल्गी की जो वीडियो सीरीज है उसी में हम लोग ये पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रोडिक्टियन। सो जिसमें हम लोग देखेंगे मेजरली थैलस स्ट्रक्चर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हाइड्रोडिक्टियन एज वेल एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये वीडियो किन किन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी बॉटनी उनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी के हैं या फिर एमएससी के हैं, तो उन्हीं उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि आप सब यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख पा रहे होंगे, तो ये आपको वाटर में, पॉन्ड में, फ्रेश वाटर जितने भी एरियाज होते हैं फ्रेश वाटर एरिया में, वहाँ पे आपको अगर ये नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दैट मीन्स वो हाइड्रोडिक्टियन है। हाइड्रोडिक्टियन को हम कॉमनली वाटर नेट भी बोलते हैं। अगर आप उसको अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो इस तरीके से आपको वो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोडिक्टियन का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोडिक्टियन बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी, और ऑर्डर अगर हम देखें तो क्लोरोकोकेन्स, फैमिली हाइड्रोडिक्टेसी। अक्रेंस देखें तो हाइड्रोडिक्टियन जो है आपका, हाइड्रोडिक्टियन और वाटर नेट, ये क्या है, एक फ्री फ्लोटिंग वाटर एल्गा है, फ्रीली फ्लोट करते हुए आपको इजिली देखने को मिल जाएगी। और इट शोज लग्जूरियंट ग्रोथ ड्यूरिंग लेट समर एंड स्प्रिंग सीजन। ठीक है, और समटाइम्स कवर द होल पॉन्ड। नेक्स्ट जो है, इसकी 5 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, और इंडिया में, इन इंडिया हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम एंड हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम आर कॉमन इंडियन स्पीसीज। ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती हैं, और ईजिली ये अकर करती है कहाँ पे, टेम्पररी और परमानेंट वाटर रिजर्वॉयर्स में। थैलस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोडिक्टियन इज अ मैक्रोस्कोपिक सिनोबियल एल्गा। मैक्रोस्कोपिक सिनोबियल एल्गा का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक, अभी आपने पहली स्लाइड में देखा जब मैंने उसका फोटोग्राफ दिखाया था, तो वो इजिली हैंड अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं हम उसको, अगर हम वाटर में जहाँ पे बहुत लग्जूरियंट ग्रोथ हुई है हाइड्रोडिक्टियन की, उस पॉन्ड में अगर हम अपना हाथ डाल के निकाले देखें उसको, तो हमें इजिली नेकेड आई से भी हाइड्रोडिक्टियन का नेट, वाटर नेट इजिली देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। सिनोबियल एल्गा का मतलब होता है कोलोनियल फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ रहते हैं, तो सिनोबियल को हम कोलोनियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोनोबियल फॉर्म है। फॉर्मिंग फ्री फ्लोटिंग वाटर नेट, कैसे, क्या बनाती है, फ्री फ्लोटिंग वाटर का नेट बनाती है इन फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि वो कैसी फॉर्म है, फ्रेश वाटर फॉर्म है। ठीक है, और एक सिनोबियम कंसिस्ट ऑफ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड सेल, हंड्रेड से थाउजेंड सेल्स एक सिनोबियम में हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड पेंसिल शेप्ड सेल्स आर जॉइंड एट द एंड फॉर्मिंग अ डिजाइन ऑफ हेक्सागन्स एंड पेंटागन। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, तो ये कैसा फॉर्म बना रखा है इन्होंने, हेक्सागन या फिर पेंटागन का शेप बना के एक दूसरे से जॉइंड होता है। आप देख सकते हैं क्लियरली, ये इस तरीके से ये क्या, हेक्सागन या फिर पेंटागन के फॉर्म में एक सेल दूसरे सेल से अटैच होती है। ठीक हो गया। द यंग सेल्स इज यूनिन्यूक्लिएट बट एट मेच्योरिटी इट बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, जो यंग सेल्स होंगे कॉलोनी के, जो सिनोबियम के यंग सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, बट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दे बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ सिनोबियम इज फिक्स्ड व्हेन इट इज यंग। Further growth of the synobium is due to increase in size but not in the number. Young condition में जो synobium का number होता है वो fixed हो जाता है कि इतने ही यहाँ पे cells देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे growth होती है maturity के time पे, synobium का जो size होता है, size can increase। ठीक है, सिनोबियम का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर सकता है, बट उनका नंबर, उसमें नंबर नहीं, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, साइज में ग्रो करेगा, वो नंबर में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में। सो अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
हाइड्रोडिक्टियन में किस तरीके से टेक प्लेस करता है, थ्रू एसेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड और वेजिटेटिव मेथड अगर हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वहाँ पे टेक प्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करेगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, यूनिन्यूक्लेटेड बायोफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू, जिनको हम स्वामस भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे होंगे ज़ूस्पोर, स्मॉल होंगे, यूनिन्यूक्लियेटेड होंगे और बायफ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, फ्लैजिला क्या होगा, दो टाइप दो होंगे और स्मॉल होंगे स्वामर्स और यूनिन्यूक्लियेटेड होंगे। ऑल दी सेल ऑफ सीनोबिया आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज़ूस्पोर विच इवेंचुअली डेवलप इंटू अ न्यू सीनोबिया। सीनोबिया के सारे सेल्स क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं फॉर्मिंग ज़ूस्पोर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लीकेशन होगा और जो प्रोटोप्लास्ट होता है मदर सेल का, वो डिवाइड कर सकता है अप टू 7000 से 20000 यूनिन्यूक्लियेटेड सेगमेंट्स में वो डिवाइड कर सकता है। ठीक, फिर हर एक सेगमेंट क्या होता है, मदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो डिवाइड किया। अब फिर डिवाइड होने के बाद क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड हो जाता है। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो जैसे कि ये एक मदर सेल है, ठीक है, ऐसे हेक्सागोनल शेप की होती है मदर सेल। सो इस तरीके से ये एक मदर सेल है, तो इसका जो ये प्रोटोप्लास्ट होगा, ये प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा और हर एक सेगमेंट एक थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, ऐसे करके सराउंड हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये सराउंड होता जाएगा तो मदर की सेल में भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से जो सारे जो ज़ूस्पोर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आपस में एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आने के बाद वो क्या होता है, ये सब एक साथ आ जाएंगे, एक हॉलो कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो। इस तरीके से क्या करते हैं, मदर सेल में यहाँ पे सारे प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक कॉलोनी टाइप का, एक एक सिलेंड्रिकल कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, एक डेंस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इन द सेंटर ऑफ द मदर सेल। फिर वंस द ज़ूस्पोर टीयर लूज फ्रॉम द सेंट्रल कॉलम, दे स्विम फ्रीली इनसाइड द मदर सेल। अब जैसे ये कॉलम जो है, अगर ये ब्रेक होगा, ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाएगा, अब जैसे ये मेम्ब्रेन ये ब्रेक होगा तो सारे ज़ूस्पोर क्या करेंगे, फ्रीली स्विम करने लगेंगे इनसाइड द मदर सेल। अब ये मदर सेल से बाहर नहीं आए, ठीक है, इनसाइड द मदर सेल ये स्विम करने लगेंगे, डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, अब ये मदर सेल के अंदर ही है, वहीं पे ये एक्टिवली स्विम करेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड मूवमेंट ज़ूस्पोर लूज देयर फ्लैजिला। फिर कुछ टाइम के बाद, मूवमेंट करने के बाद, ज़ूस्पोर अपना फ्लैजिला को लूज कर देता है एंड सेटल डाउन ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेल वॉल। अब सेल की जो इनर वॉल होगी वहां पे जाकर के वो सेटल हो जाते हैं। दे अरेंज देम सेल्फ इंटू करेक्टरिस्टिक हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल फैशन टू फॉर्म अ न्यू सीनोबिया। अब वो अपने आप को वहीं पे मदर सेल के अंदर ही अरेंज कर लेते हैं, एक एक सीनोबिया। वो जितने प्रोटोप्लास्ट मदर सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो डिवाइड हुए, वो प्रोटोप्लास्ट जब डिवाइड हुआ, यूनिन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, वो मदर सेल के अंदर ही एक हेक्सागोनल और पेंटागोनल फैशन में अरेंज हो जाते हैं, एक नया सीनोबियम बनाते हैं, एक यंग सीनोबियम बनाते हैं। और फिर वो यंग सीनोबियम पूरा का पूरा रिलीज होता है जब मदर की जो सेल वॉल होती है वो सॉफ्ट होती है, रप्चर होती है, तो उसके बाहर से वो कंप्लीट सीनोबियम रिलीज होगा। ठीक है, एक 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 करके स्वामर या ज़ूस्पोर रिलीज नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कंप्लीट यंग सीनोबियम मदर सेल के अंदर ही बन जाएगा और फिर वो रिलीज होगा। अब नेक्स्ट हम डायग्राम में देखते हैं किस तरीके से ये टेक प्लेस करता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायग्राम के थ्रू देखें तो आप यहां से देखिए, ये ए वाला पार्ट है। ठीक है, ए डायग्राम में ये आपको क्या दिख रहा है, मदर सेल है। ठीक है, ये क्या है आपकी, दिस इज द मदर सेल, ये मदर सेल है। ये मदर सेल में क्या हुआ, इस मदर सेल का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड किया और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ये सिर्फ ये एक पार्ट है। ठीक है, ये वाले पार्ट का, ये पूरे पार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ इस वाले पार्ट का, इतने से पार्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लास्ट होगा वो इस तरीके से एक डिवाइड करेगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट यूनिन्यूक्लियेटेड सेगमेंट बनाएगा। ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट का डिविजन हो रहा है। प्रोटोप्लास्ट डिवाइड किया और उस वो क्या हो गया, बहुत सारे सेगमेंट्स में, यूनिन्यूक्लियेटेड सेगमेंट में अरेंज हो गया। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, स्वामर्स अब इनमें बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का डेवलप, बायोफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, ये बायोफ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे स्विम करेंगे ये एक्टिवली मदर सेल के अंदर, ये अभी मदर सेल ही है।
ठीक है, ये कहीं बाहर लिबरेट नहीं हुए, मदर सेल ही है, मदर सेल के अंदर स्विम करेंगे। आफ्टर स्विमिंग कुछ टाइम बाद ये क्या कर लेंगे, अपना फ्लैजिला को लूज कर देंगे और सांप के सब क्या करेंगे, एक सेंट्रल में, ये सेंट्रल में सेंट्रल कॉलोनी बनाएंगे, एक सेंट्रल में एक कॉलम बनाएंगे, सबके सब सेंट्रल कॉलम में अरेंज हो जाएंगे, सेंट्रल कॉलोनी बनाएंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, हेक्सागोनल पेंटागोनल फैशन में अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, रिलीज होंगे। ये पेरेंट सेल ही है, बाहर से आप देख रहे हैं ये पेरेंट सेल है, अंदर डॉटर कॉलोनी है, कॉलोनी अंदर ही बन गई है ऑलरेडी। ठीक, उसके बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिनोबियम और एक नई यंग कॉलोनी इनसाइड द पेरेंट सेल, दे गेट रिलीज्ड। ठीक है, ये था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये नहीं देखना आपको। ठीक है, इतने तक देखना, ए बी सी एंड डी। ठीक, ये क्या था आपका, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, आइसोगेमस टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों, आइसोगेमस टाइप का। आइसोगेमस मतलब जो गैमेट होंगे, जो फ्यूजिंग गैमेट होंगे, फ्यूजिंग गैमेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी देखने में क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। सॉरी। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ऑफ द मैच्योर सिनोबियम इज कैपेबल टू फॉर्म गैमेट्स, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल अंडरगो रिपीटेड क्लीवेज एंड फॉर्म 30,000 टू 1 लाख सेगमेंट्स। जो वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लास्ट होगा वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा और उसमें 30,000 टू 1 लाख सेगमेंट्स तक प्रोड्यूस हो सकते हैं। हर एक सेगमेंट में मेटामॉर्फोसिस होगी, हर एक सेगमेंट मेटामॉर्फ होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोटाइल बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गैमेट्स होते हैं वो स्मॉलर देन जूस्पोर्स होते हैं। अब जैसे जूस्पोर भी हमने देखे थे, स्मॉल थे, यूनिन्यूक्लिएटेड थे, बायफ्लैजिलेटेड थे, तो एक जूस्पोर रख दिया हाइड्रोडिक्टियन का और एक गैमेट रख दिया हाइड्रोडिक्टियन का, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं वो क्या होता है, स्मॉलर होते हैं, दिखने में तो सिमिलर होंगे बट क्या होंगे, स्मॉलर होंगे एज कंपेयर टू जूस्पोर्स। तो दे आर लिबरेटेड थ्रू द पेरेंट सेल थ्रू द पोर इन इट्स वॉल, वो पेरेंट की सेल में पोर होने के कारण वहां से लिबरेट हो जाएंगे। और जो हाइड्रोडिक्टियन की स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है, मोनोसियस होती है, दैट इज होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब होमो मीन्स सेम, उसी सेम में हमें मेल भी देखने को मिलेगा एज वेल एज फीमेल भी देखने को मिलेगा। द टू आइसोगेमेट्स फ्रॉम द सेम सिनोबियम फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोस्पोर, प्लस और माइनस, यानी कि एक मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोस्पोर क्या हो जाएगा आपका, देन 2N हो जाएगा। द गैमेट लूजेस देयर मोटाइलिटी आफ्टर फ्यूजन एंड सिक्रीट थिक वॉल, थिक वॉल आपस में अपने आप में सिक्रीट कर लेंगे। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोस्पोर डिवाइड मियोटिकली इंटू 4 न्यूक्लियाई, किस में डिवाइड कर जाएगा उसका न्यूक्लियाई, मियोसिस टेक प्लेस करेगी और 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ईच यूनिन्यूक्लियेट सेगमेंट डेवलप इंटू बायोफ्लेजिलेटेड जूस्पोर, आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ मोटैलिटी जूस्पोर लूजेज इट्स फ्लैजिला एंड कम टू रेस्ट, इट सिक्रीट्स थिक स्पाइनी वॉल एंड डेवलप इंटू अ पॉलीहेड्रन सेल कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, जाइगोस्पोर डिवाइड करेगा और 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। अब वो 4 न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, उनमें फिर से डिवीजन होगा और हर एक सेगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो जूस्पोर क्या करेगा, कुछ टाइम तक स्विम करेगा और स्विम करने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, अपनी मोटैलिटी को लूज कर देगा और रेस्टिंग फेज पे आ जाएगा। रेस्टिंग फेज में जब वो आएगा तो अपने चारों ओर से एक स्पाइनी वॉल का सिक्रीशन कर लेता है और एक पॉलीहेड्रल सेल का शेप ले लेता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। सो क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीहेड्रॉन हमें कहां देखने को मिलता है, राइट। सो द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ पॉलीहेड्रॉन डिवाइड टू फॉर्म 200 टू 300 जूस्पोर, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो पॉलीहेड्रॉन का न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करते रहेगा टू फॉर्म 200 to 300 जूस्पोर, और वही जूस्पोर फिर क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे टू फॉर्म अ न्यू डॉटर नेट। ठीक है,
उसी पॉलीहेड्रिन के अंदर क्या बना लेंगे, वो एक न्यू डॉटर नेट बना लेंगे और फिर यंग नेट लिबरेट हो जाएगा बाय द रप्चरिंग ऑफ पॉलीहेड्रिन वॉल। इसको हम अगर साइकिल में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये अब हम देखते हैं, सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक यंग सिनोबियम है, आप देख रहे हैं यंग सिनोबियम। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, हर एक प्रोटोप्लास्ट गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन होगा और बहुत सारे गैमेट्स बनेंगे बायफ्लैजिलेटेड, ठीक है। गैमेट्स आइसोगैमेट होंगे, एक प्लस होगा मतलब एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। इनमें फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हो गया। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोस्पोर क्या होगा, 2N। अब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या चलेगी, मियोसिस की प्रोसेस चलेगी। मियोसिस की प्रोसेस के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, 4 ज़ूस्पोर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें क्या होगा, जो फ्लैजिले फ्लैजिला भी अपने में डेवलप कर लेंगे, ठीक है। यही ज़ूस्पोर जाइगोस्पोर जो था, देखो अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन जाइगोस्पोर एंड ज़ूस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर हमेशा 2N होता है और ज़ूस्पोर हमेशा कैसे होंगे, N होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जाइगोस्पोर में मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी और ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ज़ूस्पोर कुछ टाइम बाद स्विम करने के बाद अपना फ्लैजिला लूज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। पहले यहाँ पे क्या थे, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर थे, यानी कि दो फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट थे, अभी डीफ्लैजिलेटेड हो गए, इनमें से फ्लैजिला रिमूव हो गया। तो डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और अपने आप को एक पॉलीहेड्रन में स्ट्रक्चर में, पॉलीहेड्रन मैनर में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये पॉलीहेड्रन मैनर में अपने आप को इन्होंने अरेंज किया, तो एक पॉलीहेड्रन का सेल फिर क्या करेगा, कंटिन्यूसली 200 टू 300 सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और फिर वो 200 टू 300 सेगमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक यंग सिनोबियम में, न्यू सिनोबियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर यहां से वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये क्या करेंगे, सेल्स, यस हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स डिवाइड करेंगे 200 टू 300 सेल्स में, ठीक है। और सेल्स में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे पॉलीहेड्रन में ही हमें क्या देखने को मिलेगा, यंग कॉलोनी देखने को मिलेगी और वो यंग कॉलोनी फिर रिलीज हो जाएगी कहाँ, बाहर एनवायरनमेंट में, और बिहेव करने लगेगी एक न्यू सिनोबियम की तरह, ठीक है। ये तो था आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुझे भी कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ डालूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।